ये हैं राज भाई, जिन्होंने मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी का एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजा। राज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई एक अच्छा सा वीडियो भेजने के लिए। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। सामने देख सकते हैं मालगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई है मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच में कब तक काम शुरू होने की उम्मीद है या संभावना है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स में हमसे ये पूछ रहे हैं कि शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच में काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, कितना काम हो गया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच में अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच में काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक मैलानी से शाहगढ़ के बीच में काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। काम कंप्लीट होने के बाद में जब CRS स्पीड ट्रायल करा लिया जाएगा तब उसके बाद में ही पीलीभीत से शाहगढ़ के बीच में काम शुरू होगा। आप फिर भी मान के चल सकते हैं कि यदि जुलाई महीने में शाहगढ़ से मैलानी के बीच में CRS स्पीड ट्रायल करा लिया जाता है तो अगस्त के महीने में पीलीभीत से शाहगढ़ के बीच में काम शुरू होने की संभावना है। ज़रूरी नहीं कि अगस्त के महीने में ही शुरू हो जाए, सितंबर भी लग सकता है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि जब तक CRS स्पीड ट्रायल नहीं होगा मैलानी से शाहगढ़ के बीच में तब तक पीलीभीत से शाहगढ़ के बीच में काम नहीं शुरू होने वाला, और जब भी कभी काम शुरू होगा तो उसका भी अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।